做得自己啦，我真系想。हेलो दोस्तों, वेलकम टू हरलैंड। तो आज मैं एक ऐसी मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि चाइनीज़ है। और इस मूवी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मूवी एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें तीन शॉर्ट मूवी इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो में मैं इस मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसके पहले पार्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस मूवी की पहली स्टोरी का नाम है पिलो। और इस मूवी की कहानी शुरू होती है चाओ से, जो कि कुछ नंबर को गिन रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर हम चाओ और उसके बॉयफ्रेंड क्वॉक को देखते हैं। चाओ एक हॉस्पिटल में एक नर्स का काम किया करती थी और क्वॉक एक आर्टिस्ट था जो कि क्राफ्ट बनाता था। दोनों एक साथ लिविंग में रहा करते थे। फिर एक दिन चाओ घर आती है, तब क्वॉक अपना काम कर रहा था। दोनों एक दूसरे से थोड़ा बातें करते हैं और उसके बाद में कौन नहाने के लिए चली जाती है। और तभी क्वॉक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है। लेकिन जब भी क्वॉक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था तो चाओ का फोन रिंग होता है। क्वॉक जब चाओ का बैग चेक करता है तो वहाँ पर उसे दो फोन मिलते हैं और तब तक वहाँ पर चाओ भी आ चुकी थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि चाओ ने अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखने के लिए उसके फोन को हैक किया है, जिससे उसे पता है कि क्वॉक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिन को पैसे दिए हुए हैं। लेकिन क्वॉक के मुताबिक लिन को प्रॉब्लम चल रही थी तो इसलिए उसने उसको पैसे दिए थे। चाओ क्वॉक को उसका बॉक्स दिखाती है जिसमें क्वॉक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिन की सारी चीजें संभाल कर रखी हुई थी। मतलब कि उनके इतने दिनों के रिलेशन के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिन को नहीं भूल पाया था। और इन सब के कारण चाओ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। फिर एक हफ्ते के बाद में हम चाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर चाओ क्वॉक को मैसेज करके घर पर वापस आने को कह रही थी। और क्वॉक को सॉरी कहकर वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसके साथ में लड़ाई नहीं करेगी। जो ये सारी बातें अपने कलीग लैम को भी बताती है। चाओ ने क्वॉक के फैमिली फ्रेंड सभी से कॉन्टेक्ट किया हुआ था लेकिन क्वॉक का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन लैम चाओ को टेंशन लेने के लिए मना करती है क्योंकि क्वॉक छोटा मोटा बच्चा नहीं है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। तो हो सकता है कि वो कहीं बाहर एंजॉय करने गया हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर क्वान आते हैं जो कि चाओ को थका हुआ देखकर उसकी नींद के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर क्वान ने नींद आने के लिए जो भी मेडिसिन चाओ को दी हुई थी उसमें से कोई भी मेडिसिन काम नहीं आ रही थी। फिर तब डॉक्टर क्वान चाओ को उसका पिलो चेंज करने को कहते हैं कि क्या पता उससे चाओ को नींद आ जाए। अब चाओ का टेंशन दूर करने के लिए उनका स्टाफ शाम को पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाता है। सभी क्लब में एंजॉय कर रहे थे लेकिन चाओ अभी भी क्वॉक के लिए टेंशन ले रही थी और उसको मैसेज किए जा रही थी। वहाँ पर क्वान चाओ के पास आकर उसको समझाता है कि मर्दों को थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए चाओ टेंशन न ले क्योंकि क्वॉक जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन चाओ उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने घर पर चली जाती है। घर पर भी वो मेडिसिन लेकर बहुत कोशिश करती है कि वो सो जाए लेकिन वो सो नहीं पाती है। और इसी तरीके से सुबह हो जाती है। अब अगली सुबह चाओ एक पिलो खरीदने के लिए जाती है और अनजान सड़क पर उसे एक शॉप नजर आती है, जिस शॉप के अंदर वो चली जाती है। अंदर उसे एक पिलो पसंद आ जाता है और शॉप का ओनर उसे बताता है ये एक मेडिसिनल पिलो है जिससे कि नींद अच्छी आती है। फिर चाओ उससे पिलो को खरीद लेती है। फिर जब चाओ उस शॉप के बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई शॉप है ही नहीं। इनकट होता है और उस पिलो को घर में लाने के बाद में एक अनजान शक्ति भी उसके साथ में घर में एंटर होती है जिसका चाओ को कुछ भी पता नहीं था। अब चाओ उस पिलो को लेकर सो जाती है और उस पिलो से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जो कि चाओ को बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ टाइम के बाद में चाओ जब सो रही थी तो क्वॉक उसके पास में आता है और उसको देखकर चाओ बहुत ही खुश होती है। क्वॉक उसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में क्वॉक चाओ के साथ में फोर्सफुल इंटीमेट होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस चाओ का एक सपना है। लेकिन नींद से उठने के बाद भी चाओ देखती है कि उसके अंडरगारमेंट्स सोफे पर उसी जगह पर थे जहाँ पर सपने में क्वॉक ने उतार कर फेंकी थी। चाओ फिर भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और फिर अगले दिन चाओ फिर से उस पिलो पर सोती है और फिर से उसके सपने में क्वॉक आता है। इस बार क्वॉक भी उसे कहता है कि जब वो पिलो पर सोएगी तभी वो उसके पास में आ सकता है। फिर उसके बाद में दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। रोज चाओ उस पिलो पर सोती थी और रोज सपने में क्वॉक उसके पास आकर उसके साथ में इंटीमेट हुआ करता था। और अपने सपने में ही क्वॉक को वापस पाकर चाओ बहुत ही खुश थी। चाओ अपने इस नए पिलो के बारे में लैम को भी बताती है कि उस पिलो से उससे बहुत ही अच्छी नींद आ रही है। फिर उसी दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर क्वान चाओ को कुछ डिटेक्टिव रिकमेंड करते हैं जो कि क्वॉक को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। सीन कट होता है और अगले दिन वून और सुहा नाम के दो डिटेक्टिव चाओ के घर पर आते हैं और क्वॉक के बारे में वो उससे कुछ बातें करते हैं। चाओ उनको क्वॉक का एक फोटो भी देती है ताकि वे लोग क्वॉक को ढूंढ पाए। और जाने से पहले सुहा और चाओ को घर का एसी थोड़ा कम रखने को कहती है क्योंकि सुहा को चाओ के घर पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी।
लेकिन चो को ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसने एसी ऑन किया ही नहीं था और उसे अपने घर पर ठंड नहीं लग रही थी। उसी दिन चो को लैम्प फोन पर एक क्लब पर आने को कह रही थी, लेकिन चो को तो बस उस पिलो के साथ में ही सोना था। और मूवी में हम यहाँ पर उस पिलो को किसी इंसान की तरह लेटे हुए नोटिस करते हैं, लेकिन जब चो उस पिलो के पास में आती है तो वो पिलो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब धीरे धीरे चो ने ऑफिस जाना भी कम कर दिया था और हर टाइम वो बस उस पिलो के साथ में सोया करती थी और सपने में पॉक के साथ में इंटीमेट होती थी। चौक की हालत अब बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और उसके बाल भी झड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इन सब पर ध्यान नहीं दे रही थी और बस उस पिलो के साथ में सोया करती थी। चौक लैम को कॉल करके ऑफिस में फिर से 2 दिन की छुट्टी ले लेती है और लैम को चौक की आवाज से समझ आ जाता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन चौक लैम को कुछ भी ठीक से नहीं बताती है और फोन को कट कर फिर से उस पिलो के साथ में सोने के लिए चली जाती है। अब सपने में क्वॉक उसको पूछता है कि क्या वो इन सब सपनों को रोकना चाहती है, लेकिन चो चाहती थी कि ये सब ऐसे ही चलता रहे। और चो को अब मरने का भी डर नहीं था। यहाँ पर हम चो के पास रहने वाली रियल क्वॉक की स्पिरिट को देख पाते हैं। अब सीन कट होता है और हम पास्ट के उस इंसिडेंट को देखते हैं जब चो और क्वॉक के बीच में लिन को लेकर झगड़ा हुआ था। क्वॉक अपना घर छोड़कर चला गया था और क्वॉक को रोकने के लिए चो खुद को एक पेपर कटर से मारने की धमकी देती है। क्वॉक जब उसे रोकता है तो गलती से वो पेपर कटर उसी के गले में घुस जाता है और क्वॉक मारा जाता है। चो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है और क्वॉक की मौत से चो के दिमाग पर बहुत ही गहरा क्वॉक की मौत के कारण चो के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। वो ऐसा ही सोचने लगी थी कि क्वॉक जिंदा है और बस वो घर छोड़कर चला गया है। चो क्वॉक की डेड बॉडी को साफ करके उसे वैक्यूम बैग में डालकर अपनी अलमारी में रख देती है और उसके बाद वो कुछ सामान लाकर क्वॉक का अंतिम संस्कार भी करती है। जिस दिन क्वॉक के साथ में चो सपने में इंटीमेट हो रही थी, वो कोक नहीं बल्कि उस पिलो के साथ में आया हुआ एक डेमन था। अब कोक की आत्मा उस डेमन को चो से दूर चल जाने को कहती है, लेकिन डेमन चो को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि चो ने खुद उसको चूज किया था। कुछ दिनों में ही अब चो मरने वाली थी और वो डेमन चो के घोस्ट को कोक के पास लाने का प्रॉमिस करता है। चो को बचाने के लिए कोक की आत्मा लैम को मैसेज करके चो के घर जाने को कहती है। लैम फिर दोनों डिटेक्टिव के साथ में चो के घर पर जाती है जहाँ पर उनको चो बहुत ही खराब हालत में मिलती है। चो वहाँ पर उस पिलो को नहीं छोड़ रही थी और वे लोग चो के लिए एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको स्टोरी समझ नहीं आई होगी और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस स्टोरी में क्या हुआ है, तो थोड़ा एंड करिए, मैं मूवी के एंड में आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। तो यहीं से सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम था गेम और इस स्टोरी की कहानी शुरू होती है कैल्विन से जो कि बहुत दिनों से अपने रूम में बंद था। उसकी माँ नाइट शिफ्ट करने के लिए अपने घर से निकल जाती है, तभी उसके पास में उसका दोस्त चाव आता है। चाव से केल्विन कहता है कि एक हफ्ते पहले उनको वो गेम नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन एक हफ्ते पहले उन्होंने कौन सा गेम खेला था। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम केल्विन, चाव, लिटिल बू, सीसी, मैबल, सेसी और चीन को देखते हैं। वे लोग अपने पुराने स्कूल जा रहे थे और उनके स्कूल से पास होने के बाद वो स्कूल बंद हो गया था। उस स्कूल को अगले दिन गवर्नमेंट तोड़ने वाली थी तो इसीलिए वे लोग आखिरी रात अपने स्कूल में टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। दरवाजे को खोलकर वे सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल का गेट अपने आप ही खुल गया था। सभी स्कूल में घुसकर अपने स्कूल की मेमोरी को याद कर रहे थे और वहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। स्कूल की दीवारों पर स्टूडेंट के फोटो भी थे। एक दीवार पर कुछ स्टूडेंट की वॉल आर्ट भी थी जिसे लिटिल बू देख रही थी। वहीं पर उनको स्कूल का गार्ड दिखाई देता है जो कि उनको वहाँ से जाने को कहता है। केल्विन उनको कहता है कि वे लोग 2003 में यहाँ से पास आउट हुए थे। वो गार्ड केल्विन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उनको अंधेरा होने से पहले वहाँ से जाने को कहता है। वे लोग गार्ड की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और स्कूल की टेरेस पर अपनी एक छोटी सी पार्टी रेडी करने लगते हैं। सीसी और सेसी दोनों ही बाथरूम में जाते हैं, अपने टीचर क्रश के बारे में बातें करते हैं। कुछ टाइम बाद सीसी वहाँ से चली जाती है और तब सेसी अकेली बाथरूम में थी। सेसी को ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके पास में है और वो सोचती है कि सीसी उसके साथ में प्रैंक कर रही है। वो सीसी से टॉयलेट पेपर मांगती है और पास वाले बाथरूम से एक डेमोनिक हाथ उसे टॉयलेट पेपर दे देता है। सेसी सोचती है कि शायद टॉयलेट पेपर उसे सीसी ने दिया होगा और वो डेमोनिक हाथ को ठीक से देखती भी नहीं है। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो बाहर उसे सीसी और केल्विन दिखते हैं। वो सोचती है कि ये दोनों उसके साथ में प्रैंक कर रहे थे। जब केल्विन अपने फोन में कुछ रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उन बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब सभी एक घोस्ट हंटिंग गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और उस गेम को खेलने के लिए सभी $100 एक जगह पर रखते हैं। उस गेम में एक घोस्ट होगा और एक मास्टर होगा और बाकी सब ह्यूमन होंगे। मास्टर को घोस्ट को पकड़ना होगा और ह्यूमन के पकड़े जाने पर वो मास्टर शोल्डर पर हाथ रखकर उसको फॉलो करेगा।
ये गेम 15 मिनट तक चलेगा, लेकिन लास्ट में अगर मास्टर घोस्ट को ढूंढ नहीं पाया तो पैसे घोस्ट वाला पर्सन जीत जाएगा, और अगर घोस्ट को ढूंढ लिया तो मास्टर पैसे जीत जाएगा। अगर 15 मिनट में घोस्ट को नहीं ढूंढा गया तो ह्यूमन के रोल करने वाले इंसान को सारे पैसे मिल जाएंगे। अब गेम शुरू होता है और सभी अपना अपना पेपर ले लेते हैं। यहाँ पर मास्टर मार्बल था, वो सभी एक एक जगह पर छुप जाते हैं। सेसी और केल्विन यहाँ पर अपने छुपे हुए जगह से वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। सेसी केल्विन को बताती है कि गेम में घोस्ट वो है, और केल्विन के फोन से सेसी अपनी सिस्टर लिटिल बू से बातें कर रही थी। यहाँ पर लिटिल बू को सेसी के पीछे कोई नजर आता है, लेकिन सेसी को अपने पीछे कोई नहीं दिखता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉल पेंटिंग से कुछ स्टूडेंट बाहर आ गए थे, लेकिन बाकी लोगों को इसका पता नहीं चलता है। यहाँ पर सेसी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास जरूर होता है, लेकिन वो तो उसका फ्रेंड ही नहीं था। फिर 15 मिनट पूरे हो जाते हैं और सेसी को पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि उसको मास्टर नहीं पकड़ पाया था। सेसी को पैसे लेते हुए केल्विन उसकी फोटो लेता है, और फोटो के अंदर हम एक घोस्ट को देख पाते हैं, लेकिन वे लोग फोटो को ध्यान से नहीं देखते हैं। सभी फिर वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से सभी वहीं पर रुक जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी। केल्विन, चाओ और चीन गार्ड को सिगरेट और बियर देकर उससे एक फोल्डिंग बेड ले लेते हैं, ताकि लिटिल बुक को वहां पर सुला सके। अब उनके जाने के बाद में गार्ड को भी अजीब फील होने लगता है। दूसरी तरफ लिटिल बुक बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो इसीलिए वो टॉयलेट में ही सो गई थी। लिटिल बुक को तो ये पता ही नहीं था कि उसके पास में एक स्कूल टीचर का डेमोनिक हाथ आ रहा है। फिर सही टाइम पर लिटिल बुक की नींद खुल जाती है और घोस्ट वहां से गायब हो जाता है। अब सभी लिटिल बुक को उसी फोल्डिंग बेड पर सुला देते हैं, और अब गेम का सेकंड राउंड खेलने लगते हैं। इस राउंड में चाओ मास्टर था और केल्विन घोस्ट था। मैबल यहाँ पर गार्ड के रूम में छुपने गया था, और उसे लगा था कि गार्ड सो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड मर चुका है। इधर सेसी और सीसी किसी के घोस्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि मैबल और चीन उनके साथ में प्रैंक कर रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद में वहाँ पर हम एक लड़की के घोस्ट को नोटिस करते हैं। अब चाओ ने चीन को पकड़ लिया था, लेकिन वो ह्यूमन था। फिर दोनों को एक बॉल दिखता है, जिसे चाओ विंडो के बाहर किक करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो ह्यूमन नहीं एक घोस्ट का सर था, और एक घोस्ट उस रूम के चेयर पर आकर बैठ जाता है, और उस घोस्ट का सर उसकी बॉडी पर नहीं लगा हुआ था। दूसरी तरफ केविन एक जगह पर छुपा हुआ था, तभी उसके पास में कोई आता है, और उसे लगता है कि वो उसका कोई फ्रेंड है। जब वो ठीक से देखता है तो देखता है कि वो उसके प्रिंसिपल का घोस्ट है, जो कि केविन से बोल रही थी कि वो फिर से इंसान बनना चाहती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दीवार पर लगे सभी स्टूडेंट के पेंटिंग गायब थे, और जब चाओ और उसके दोस्त गेम को खेल रहे थे तो सभी घोस्ट उनको फॉलो भी कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल बू के पास में स्कूल के सभी घोस्ट जमा हो गए हैं, और कुछ टाइम के बाद सभी लोग को लिटिल बू कहीं नहीं मिलती है। केविन यहाँ पर डरा हुआ था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता है। सेसी को एक जगह पर लिटिल बू दिखाई देती है, लेकिन जब वो उसके पास में जाती है तो लिटिल बू नहीं बल्कि एक ओल्ड लेडी का घोस्ट था। सीन कट होता है और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर केविन चाव को बोल रहा था कि उस गेम को किसी को भी खेलने की हिम्मत नहीं है, वो गेम उनको भी नहीं खेलनी चाहिए थी। तब चाओ केविन को बोलता है कि वो भी मर चुका है, और उनके इस इंसिडेंट को एक हफ्ता हो चुका है। चाओ केविन को उसके पीछे आने को कहता है, और फिर चाओ उस रूम के मिरर में गायब हो जाता है। केविन जब खुद को मिरर में देखता है तो उसे एक घोस्ट का चेहरा नजर आता है, मतलब कि वो एक हफ्ते पहले ही मर चुका है, और उसके रूम में स्कूल के सभी घोस्ट भी थे। थिन कट होता है और हम देखते हैं कि उनके उस स्कूल की वॉल पेंटिंग में अब चाओ और उनके दोस्तों का ग्रुप भी आ चुका है, और यहीं पर सेकंड स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों तीसरी स्टोरी शुरू होती है, और इस स्टोरी का नाम होता है शेम्ड। इस स्टोरी की कहानी शुरू होती है वेद नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से, जो कि एक फैमिली और एक बस नॉर्मल लाइफ चाहती थी, लेकिन पैसों के लिए वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी। फिर आज के दिन चाइना में कोई फेस्टिवल था, तो इसीलिए वो अपने पेरेंट के ग्रेव को विजिट करने वाली थी। उसके बाद में हम अंकल लाओ को देखते हैं, जो कि सोच रहे थे कि आज इस दुनिया में उनका आखिरी दिन है, तो वो जितना जी सकते हैं अच्छा काम करके जाएंगे। फिर कुछ देर बाद अंकल लाओ एक ओल्ड लेडी को एक बस से एक्सीडेंट होने से बचाते हैं, लेकिन वो ओल्ड लेडी उनसे बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन फिर भी अंकल लाओ उस लेडी की बात का बुरा नहीं मानते हैं। यहाँ पर अंकल लाओ अपने अम्ब्रेला पर एक मार्क करते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जब अंकल लाओ एक बस पर चढ़ते हैं तो एक रॉबर बस को लूटने आता है, लेकिन अंकल लाओ अपने अम्ब्रेला से उस रॉबर के हाथ पर मारकर उसका चाकू गिरा देते हैं और उसको वहां से भागने को मजबूर कर देते हैं। वो बस का ड्राइवर अंकल लाओ से बहुत ही ज़्यादा खुश था, और फ्री में अंकल लाओ को उनके स्टॉप तक छोड़ देता है। अब बस के उतरने के बाद अंकल लाओ
जब एक रोड पर थे तो वहाँ पर कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे और अंकल लाओ पुलिस को बुलाते हैं और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंकल लाओ किसी की भी हेल्प करने के बाद में अपनी अम्ब्रेला पर एक मार्क लगा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद में अंकल लाओ एक रोड पर वैन से मिलते हैं और वैन जानबूझकर अंकल लाओ से टकराती है। वो अपने पैर पर चोट लगने का बहाना बनाकर अंकल लाओ को उसके घर तक उसे ड्रॉप करने के लिए हेल्प मांगती है। अंकल लाओ वैन को उसके अपार्टमेंट तक लेकर जाते हैं और अंकल लाओ बताते हैं कि एक साल पहले वैन की बिल्डिंग पर आग लगने से कई सारे लोग मर चुके थे। फिर अब अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद में वैन अंकल लाओ के सामने कपड़े खोलकर उनके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है। अंकल लाओ वैन के साथ में ये सब करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो तो वैन की हेल्प करना चाहते थे। तब वैन अंकल लाओ से पैसे मांगती है लेकिन उनके पास में पैसे नहीं थे। गुस्से में वैन अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर ये कहती है कि अंकल लाओ ने उसके साथ में रेप किया है। वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि बस का वही रॉबर था जो कि अंकल लाओ को देखकर बहुत गुस्सा होता है। रॉबर जब अंकल लाओ पर अटैक करने जाता है तो अंकल लाओ अपने असली डेमोनिक रूप में आ जाते हैं और वो रॉबर और वैन को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार डालते हैं। वो अपार्टमेंट का ओनर वहाँ पर आकर ये सब देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर हमें अंकल लाओ की बातों से पता चलता है कि वो 129 साल का है और इस दुनिया में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम वैन के घोस्ट को देखते हैं जो कि अपने कामों से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी और किसी की बॉडी को ढूंढ रही थी अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए। यहाँ पर हम वैन के पास में अंकल लाओ की उसी अम्ब्रेला को नोटिस भी करते हैं और इसी के साथ में ये तीनों स्टोरी और ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में तीन स्टोरी थी। पहली स्टोरी में हमने देखा कि अपने शक में चाओ ने गलती से क्वोक का खून कर दिया लेकिन क्वोक का खून होने के बाद चाओ की मेंटल हालत ख़राब हो गई और वो सोचने लगी कि क्वोक जिंदा है और घर छोड़कर चला गया है। क्वोक के घोस्ट ने एक डेमन से डील की चाओ को अपने पास पाने के लिए जो कि असली में नहीं थी और वहाँ से चाओ ने एक पिल को खरीदा जिसके साथ में वही डेमन चाओ के साथ में घर आ गया। जब भी वो पिलो के साथ में सोती थी तो उसके सपने में डेमन क्वोक के रूप में आता था और उसके साथ में प्यार करके वो उसके साथ में इंटीमेट भी होता था। क्वोक को अपने पास पाने के लिए चाओ हमेशा ही सोती रहती थी लेकिन इस तरह वो डेमन चाओ को अंदर से खा रहा था। क्वोक का घोस्ट ये नहीं चाहता था कि चाओ की हालत ऐसी हो तो इसलिए उसके घोस्ट ने लैम को मैसेज करके घर बुलाया और शायद इसके बाद में लैम ने चाओ को बचा लिया होगा। सेकंड स्टोरी में हमने एक गेम के बारे में देखा। शायद वो एक डेमोनिक गेम था जिससे घोस्ट को बुलाया जाता हो तो इसलिए केविन बोल रहा था कि वो गेम उनको नहीं खेलना चाहिए था। अब बात करें स्कूल के अबैंडन्ड होने की तो वहाँ पर किसी वजह से स्कूल के टीचर प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट मारे गए होंगे और उन सभी का घोस्ट वहीं पर फंस गया। उसके बाद में उस स्कूल में हॉन्टेड इंसिडेंट होने लगे जिस वजह से उस स्कूल को बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट भी उस स्कूल को तोड़ने वाली थी। केविन और उसका दोस्त जब उस स्कूल में गए तो वहाँ पर गेम खेलकर उन्होंने घोस्ट को बुला लिया जिस वजह से वे लोग मारे गए। केविन को एक हफ्ते तक ये नहीं पता था कि वो मर चुका है और चाओ ने आकर उसको ये सच बताया कि वो जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। सभी दोस्तों का घोस्ट उस स्कूल में फंस चुका था तो इसलिए उनकी पेंटिंग अब उस दीवार पर लगी हुई थी। थर्ड स्टोरी में हम अंकल लाओ को देखते हैं जो कि डेमन था और वो 129 सालों से इस दुनिया में रहकर लोगों की हेल्प कर रहा था। जितने भी लोगों के अंकल लाओ हेल्प किया करता था वो उन सभी के हिसाब के तौर पर अपने अम्ब्रेला पर मार्क लगाता था लेकिन इतनी अच्छाई दिखाने के बाद रोबर और वैन जैसे कुछ लोग हैं जो कि लोगों को परेशान करने में और उनका बुरा करने में लगे हुए थे तो इस बात से गुस्सा होकर अंकल लाओ ने दोनों को ही मार डाला। और 129 साल की अच्छाई करने के बाद भी लोगों की बुराई के कारण अंकल लाओ से आखिरी दिन गलती हो गई। और मूवी के आखिर में हमने वैन के हाथों में अंकल लाओ के उस अम्ब्रेला को देखा जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वो भी अंकल लाओ जैसी एक डेमन बन चुकी होगी। तो दोस्तों ये था द टेल्स फ्रॉम द डार्क मूवी का एक्सप्लेनेशन। और देखा जाए तो इन तीनों मूवीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा करना चाहिए क्योंकि क्वोक भले ही अपने एक्स को नहीं बुला पाया हो लेकिन वो मरने के बाद भी चाओ की मदद करता रहा। केविन भले ही अपने स्कूल में अपना आखिरी दिन बिताने गया हो लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर पार्टी की और इस गेम को खेला जिस वजह से उनके साथ में ऐसा हुआ। और तीसरी स्टोरी में हमने देखा कि दुनिया में आप कितनी भी अच्छाई कर लो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुराई के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मैं आपके लिए और भी वीडियोज लेकर आऊँगा। तो अब